Hi everyone, welcome back to General Physics. Today, in the last video of BSc second year, we had discussed about the preparation methods for aldehyde and ketone, and we had completed about the preparation methods for aldehyde and ketone. We had discussed many more methods for aldehyde and ketone. Now, in this video, we'll discuss about the polarity and reactivity of aldehyde and ketone, or we can say that polarity and reactivity of carbonyl group. ठीक है, तो सबसे पहले चीज carbonyl group है, वो हमारा क्या होता है? तो जब हमने बात की थी carbonyl group की, मैंने introduction वाले video में बताया था that इतना जो group होता है, C double bond O जो group होता है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, कार्बोनिल बोल रहे होते हैं। अभी एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, क्या ये होने वाला है, पार्टिकुलर स्पेसिफिक कौन सा ग्रुप होने वाला है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है ये जो पीछे दो वैकेंट वैलेंसीज हैं, ये यहां से डिसाइड करते हैं। इन पे जिस भी टाइप का ग्रुप आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये बनने वाला कंपाउंड होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कार्बोनिल के डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। ना हमें यहां से देखना यह है कि पोलैरिटी और रिएक्टिविटी के बारे में देखना है। तो सबसे पहले चीज पोलैरिटी हमें देखनी है, और पोलर कोई भी कंपाउंड कब होता है, जब किसी भी बॉन्ड से जो अटैच्ड दोनों एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होता है। तो पोलैरिटी देखिए हमें यहां से देखनी है। सबसे पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, तो यहाँ पे बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब हमें यहां से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आइडिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5, ये चीज का आइडिया है। ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो होती है 2.5, एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी होती है, 3.5 होती है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली किसकी, ऑब्वियसली बात है किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी, उसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, टू अबस्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को अबस्ट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ये एरो तो नहीं लगा सकते वरना तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टाइप दिख जाएगा। जैसे ही अपनी तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो यहां से होता क्या है, एक्चुअल में जो कार्बोनिल होता है उसके कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहां से कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बन जाती है। कार्बन पे तो कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एंड ऑक्सीजन पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्यों बन रही है यहाँ पे, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनने का रीजन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, इसीलिए कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये चीज मैंने आपको अल्कोहल से, फिनोल से, इथर एपॉक्साइड से हमेशा से मैंने आपको बताई है कि जब भी कभी किसी भी एटम पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो हम उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और जब भी किसी इलेक्ट्रॉन पे, जब भी किसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होते हैं तो हम उस पर क्या लगाते हैं, निगेटिव चार्ज लगाते हैं। ठीक है, उस वाले केस में हम क्या लगाते हैं, निगेटिव चार्ज लगाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है ये हमें किससे देखना होता है, जो आउटर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एक कार्बन में आउटर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कितना होता है, 4 होता है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, चार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होने चाहिए कार्बन के पास। अभी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में, तो होने कितने चाहिए थे, 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें, दो एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड्स में, एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों बॉन्ड्स में, तभी कार्बन पे कोई चार्ज नहीं था, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट्स व्हाई कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब चलिए ऑक्सीजन पे चेक कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन पे होने कितने चाहिए थे, ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए था। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। अभी ऑक्सीजन पे है कितना, चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन पे देखिए यहां से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ गए। ठीक है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ये वाला है जो कि बॉन्ड में है, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 7 हो गया। दैट्स व्हाई हम ऑक्सीजन पे क्या लगाते हैं, निगेटिव चार्ज लगाते हैं। ऑक्सीजन पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया है क्यों, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज किया है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया क्यों, क्योंकि कार्बन पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे वेस्ट होता है, जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उस पर निगेटिव चार्ज, जिसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज है वो आ जाता है। पोलैरिटी बहुत ही सिंपल सी चीज थी, और यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, और पोलर नेचर का होने के बाद इस टाइप से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये शो करता है।
एंड साथ ही में पोलर नेचर का रीजन क्या होता है यहाँ से, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, इतनी सी बात होती है पोलैरिटी में। अब पोलैरिटी की बात आ गई, अब ये जो पोलैरिटी है इसका बहुत ही बड़ा फायदा होता है, ठीक है। क्यों होता है फायदा, क्योंकि यहां से हम सारे की सारी रिएक्शंस हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। सारे की सारी रिएक्शंस हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमें ये चीज पता है कि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे ऑलवेज अटैक कौन करेगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। देखिए यहां से मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो आस्पेक्ट है ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है, रिएक्शंस में पढ़ना है। तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे ऑलवेज अटैक कौन करेगा, निगेटिव चार्ज अटैक करेगा। तो यहां से आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है वो ऑलवेज किसके साथ में होंगी, न्यूक्लियोफाइल के साथ में होंगी। और ये चीज मैंने जब इनिशियली इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बताया था उसी में मैंने आपको बता दिया था कि यदि आप कहीं पे ये वाला बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है, यदि आप कहीं पे ये वाला बॉन्ड देख रहे हैं, या फिर इसे मैं ऐसे लिखूं, यदि आपने कहीं पे भी ये वाला बॉन्ड देखा और जब भी इनमें से कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट ऑन द कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। और मैंने साथ में ये चीज भी बताई थी कि ये पॉजिटिव चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हम कौन से ग्रुप्स हैं वो लगा रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो लगने वाले ग्रुप्स हैं वो डिसाइड करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को। तो यहां से इतनी चीज हमें समझ आ जाती है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन है वो होता है, इजिली होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। अब देखिए निगेटिव पे पॉजिटिव का एडिशन है वो कब होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेक्स्ट पॉइंट है वो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टिविटी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। ये हमने डिस्कस किया अबाउट द पोलैरिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट है वो पूछ लिया जाता है, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा है और बहुत ही कॉमन सा ये आपका यहाँ से एस्पेक्ट होता है, तो आपको सिंपल सा अंडरस्टैंड करना है और एग्जाम में कर देना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। यदि आपने ये समझ लिया तो फिर आगे की रिएक्शन वो काफी इजी हो जाती है। यदि हम बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी हमें अगेन किसकी देखनी है, कार्बोनिल की देखनी है, तो एक बार के लिए हम यहीं पे डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन किसके साथ में करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में करेगा, ये चीज तो हमने ऊपर देख ली है कि किसके साथ में रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्शन करेगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कुछ कम पल्ले पड़ रहा होगा, चलिए मैं थोड़ा सा और इसी करके बताती हूँ। अब देखिए यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोनिल की, यानी कि कार्बोनिल है वो कब ज्यादा रिएक्शन करेगा, कब कम रिएक्शन करेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पे। ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही कोई भी कार्बोनिल है उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव चार्ज यदि कम होगा तो रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। यहां से ये चीज है ये आपको पूरा का पूरा बता देती, इसे आप थ्योरी में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो थ्योरी में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दैट मीन्स इफ द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, इफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। चलिए इसे मैं आगे बता देती हूँ, ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहां से रिएक्टिविटी ही लिख देते हैं, रिएक्टिविटी, ठीक है, सॉरी यहां से पहले हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन यदि ज्यादा हो रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन है वो ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी है वो भी ज्यादा होगी, और यदि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम डिक्रीजेस,
तो यहां से रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी, लेकिन यहां से पॉजिटिव निगेटिव की फॉर्म में तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और यहां से थोड़ा सा बुक वाली सी लैंग्वेज हो जाती है तो ये आई थिंक आपको कम समझ आए, लेकिन ये आपको यहां से अच्छे से समझ आ जाएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, रिएक्शन करने की टेंडेंसी है, रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो उतनी ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है वो इजिली निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, पॉजिटिव वो क्या करेगा, इजिली निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। अब ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो देखिए यहां से रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो फैक्टर्स हैं वो दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा रिएक्टिविटी है वो डिपेंडिंग ऑन किस पे होता है, कि यहां पे आप क्या जोड़ रहे हैं, यहां पे और यहां पे, यानी कि दोनों जो सिंगल बॉन्ड वाली वैलेंसीज उन पे कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है वो ही डिसाइड करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं ये कौन कौन से लग सकते हैं और इनके बेसिस पे रिएक्टिविटी और इनके बेसिस पे रिएक्टिविटी कैसे अफेक्ट होती है, तो दो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे रिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां से क्या लिखेंगे, देयर आर टू फैक्टर्स विच कैन एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, which can explain the reactivity of carbonyl group। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो कि कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो दो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट, एंड सेकेंड को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि एक बार के लिए हमें एक डिस्कस करना है तो पहले हम वो कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड इज स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों चीजें आपके लिए नई नई है, ठीक है, दोनों के बारे में आपने पढ़ा होता है इन द बीएससी फर्स्ट ईयर। अब सबसे पहला जो है वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट यही होता है। अब प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा, एक तो रखा HCHO, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, HCHO हो गया। दूसरा मैंने क्या रखा, CH3CHO, और तीसरा मैंने यहां से रख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने क्या किया है, सिंपल सा यहाँ पे जो कार्बोनेट था उसके सिंगल बॉन्ड वाली वैलेंसीज है उन्हें फिल कर दिया, ठीक है, सिंपल सा मैंने बस इतना ही काम किया, बाकी कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। अब हमें क्या करना है कि यहां से ये जो ग्रुप्स हैं, मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रुप्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि कार्बोनिल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या फिर कम होगी, तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब हमें देखना है कि कौन से ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है और कौन से का इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है। एक बार के लिए हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे यदि हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट देखें तो हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट है वो होता नहीं है, नहीं होता ना, हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उससे पहले चलिए हम एक बात और मैं आपको यहां से आपको बता दूं, दैट रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलिए यहां से ये पॉइंट ये भी लिखी लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। पहले माइनस आई लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, यानी कि किसी भी कार्बोनिल के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी लगे होंगे, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सिंपल सा, देखिए बहुत ज्यादा टफ से टर्मिनोलॉजी मुझे लग रही है, पता नहीं क्यों एक्सप्लेनेशन के ड्यूरिंग, मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बताती हूँ। यदि कोई भी कार्बोनिल जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप लगे हैं तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो कम होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से इसे इलेक्ट्रॉन्स मिलते जा रहे हैं, आगे से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है बट पीछे से इलेक्ट्रॉन्स और भी तो मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा दैट मीन्स रिएक्टिविटी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी कब ज्यादा होती है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ज्यादा होता है। एक्सक्यूज मी, देखिए यहां से सिंपल सी चीज है, यहां से
मैंने क्या बताया आपको कि प्लस आई फैक्टर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी, एंड माइनस आई फैक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाला ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट यदि कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप आ गया तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब यहाँ से हाइड्रोजन पे देखते हैं तो हाइड्रोजन का कोई प्लस आई फैक्टर नहीं होता, सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, कार्बन है। मिथाइल ग्रुप का हम जानते हैं कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये क्या कर रहा है, कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, कार्बोनिल को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसकी कंपेयर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, इसकी कंपेयर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो दोनों ही कार्बन पे होना था, बट यहां से तो हाइड्रोजन है, उनके पास में कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये बॉन्डिंग में यूज कर चुका है। अब यहां से जो CH3 है ये क्या करेगा, प्लस आई फैक्टर से कार्बोनिल को इलेक्ट्रॉन्स देता है, जिससे कि कार्बोनिल का पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो यहां से तो दो दो मिथाइल ग्रुप बैठे हैं, तो दो दो साइड से प्लस आई फैक्टर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज और भी कम होने वाला है। तो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, यहां से इस वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा यहीं पे है। उसके बाद दूसरे वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके कंपेयर में फिर यहाँ पे भी ठीक है। और फिर तीसरे वाले की रिएक्टिविटी वो तो सबसे कम होती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन है वो क्या निकलता है, सारे हिंडरेंस को हम दूसरा फैक्टर को डिस्कस करेंगे, एक बार के लिए इनएक्टिव फैक्टर को उम्मीद करते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है यहां से, दैट एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ऑलवेज, नो एक्सेप्शन। ठीक है, एल्डिहाइड्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कीटोन्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हम बात किसकी कर रहे हैं, ओनली एलिफैटिक की कर रहे हैं। ठीक है, एरोमेटिक पे हम अभी नहीं चले हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एलिफैटिक की कर रहे हैं। तो एलिफैटिक में रिएक्टिविटी ऑर्डर जब भी आप लिखोगे तो ऑलवेज एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी है वो हमेशा कीटोन से ज्यादा होती है। पहली चीज तो ये, दूसरी चीज पे हम मूव करते हैं। दूसरी चीज हमने यहां से लिखी है, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, ऐसे लिख के बता दूं इसको भी। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसी को आपको लैंग्वेज में चेंज करके लिख लेना, हिंदी वाले हैं तो उनके लिए तो बहुत इजी सा है। यदि प्लस आई फैक्टर बढ़ता है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एंड इंग्लिश वालों के लिए प्लस आई फैक्टर इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, हो गया, सिंपल सा काम है। सेकंड पॉइंट, यदि यहां से क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो यहां से रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो चीज समझ आ गई, यहां से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज कम है तो रिएक्टिविटी कम है, प्लस आई इफेक्ट कम है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये यहां से होता है, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स हम वो देखे हैं। और ये चीज मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी है वो हमेशा कीटोन से ज्यादा होती है। और रीजन क्या होता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में तो हमेशा एक हाइड्रोजन तो होना ही होना है, तो यदि प्लस आई इफेक्ट लगेगा भी तो सिर्फ एक ही साइड से लगेगा। लेकिन कीटोन्स में तो क्या हो जाना है, कीटोन्स में तो क्या होना है, दो तरफ से लगेगा, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो कीटोन्स की रिएक्टिविटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। तो रिएक्टिविटी का फैक्टर आई थिंक आपको समझ आया होगा, ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके बाद में जो सेकंड इफेक्ट बच जाता है वो बच जाता है स्टारिक इफेक्ट। यहां से ये दोनों इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपको एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा रिएक्टिविटी एंड पॉलरिटी वाला पोर्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और एल्डिहाइड कुछ भी देखो, कोई भी यूनिट यदि आप पढ़ रहे हैं ना तो उसमें से कभी कुछ स्किप मत करिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है कि फॉर एग्जांपल यदि आपने 15 रिएक्शंस पढ़ लिए और आपने सिर्फ 5 रिएक्शंस छोड़ दी, और इन केस मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होता है कि उन्हीं 5 रिएक्शंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं और जो 15 रिएक्शन आपने पढ़ी थी उन पे क्वेश्चन नहीं आते। तो जितना पढ़ रहे हो आप, फॉर एग्जांपल यदि 3 यूनिट पढ़ रहे हैं ना, 5 यूनिट में आपका काम नहीं चल रहा, 5 यूनिट आपके बस की नहीं है, नहीं पढ़ी जा रही, मत पढ़ो 5 यूनिट, मत पढ़ो 3 यूनिट पढ़ रहे हो उनमें से कुछ भी मत छोड़ो, उनमें से यदि क्वेश्चन आए ना तो उनमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, उनमें से कोई क्वेश्चन है वो बचना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो जितना पढ़ रहे हो कंप्लीट पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है।
अरे क्या हो रखा लाइट को, ठीक है चलिए एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं जो स्टैटिक हिंडरेंस है वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें देखना अबाउट द स्टैटिक हिंडरेंस। तो ऊपर से कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं रब कर देती हूँ, पूरा ही रब कर देती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको बताती हूँ अबाउट द स्टैटिक हिंडरेंस। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक हिंडरेंस है वो भी इंडक्टिव इफेक्ट के जैसा ही है। जैसा कि हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी, ऐसे ही स्टैटिक हिंडरेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन ग्रुप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फैक्टर और क्यों होती है वो चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे भी फैक्टर है वो सेम ही रहेगा, दैट रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड विल बी मोर देन इन कंपेयर टू एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन, कीटोन से सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू कीटोन से। तो स्टैटिक हिंड्रेंस है वो भी सेम ही चीज को यहाँ से एक्सप्लेन करता है। तो देख लेते हैं कैसे यहाँ से होता है। तो सबसे पहली चीज है वो तो हमें यहाँ से क्या आइडिया लगाना है, क्या यहाँ से जो चीज होती है फैक्टर है वो हमें बताना है। वो यहाँ से ये होता है दैट स्टैटिक हिंड्रेंस इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, मीनिंग क्या होता है इसका। तो देखिए यहां से मैं आपको मीनिंग है वो भी बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वैसे यहां से भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। दैट स्टैटिक हिंड्रेंस एज स्टैटिक हिंड्रेंस एज स्टैटिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ये इंक्रीज डिक्रीज में कंफ्यूजन हो सकता है तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से करना है। एज स्टैटिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और कैसे होता है तो चलिए फिर से हम कुछ कॉमन से एग्जांपल लेते हैं। मैं बहुत ही कोई भारी भरकम एग्जांपल है वो यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और स्टैटिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है ये चीज भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए एग्जाम्पल्स रखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम वही हमारा क्या रखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड रखेंगे। ठीक है, पहला हमने क्या रख लिया, फॉर्मेल्डिहाइड रख लिया। इसके बाद हम क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे करके और ग्रुप्स हम वो चेंज करते जाएंगे। सेकेंड हमने ये रखा, थर्ड हमने क्या रखा, कीटोन रखा, सी डबल बॉन्ड ओ रखा, सी एस पी रखा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लगता है वीडियो गलत टाइम पे बनाने लग गई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या होना है, तो नेक्स्ट में देखिए अगेन सी डबल बॉन्ड ओ सी एस पी का होल ट्वाइस, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव सी टू एच फाइव, इधर भी क्या है सी टू एच फाइव, इधर भी सी टू एच फाइव। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो देखिए इसके बाद और ये भी हो सकता है सी एच सी एस थ्री का होल ट्वाइस। ठीक है, इधर भी क्या हो सकता है सी एच सी एस थ्री का होल ट्वाइस। ये कौन सा होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। ये कैसे है मैं आपको लिख के बता देती हूँ। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको खोल के लिख के बताती हूँ। ये है आपका कुछ इस टाइप से सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री। ठीक है, ये कौन सा होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है। इसी के टाइप से टर्शियरी ब्यूटाइल भी हो सकता है, चलिए मैं वो भी आपको बता ही देती हूँ। सी डबल बॉन्ड ओ सी सी एस सी का होल ट्राइस, इधर भी क्या आएगा सी सी एस सी का होल ट्राइस। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए मैं आपको दोनों लिख के बताती हूँ। सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री, ये कौन सा होता है, आइसो प्रोपाइल होता है। ये कौन सा होता है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, सी CH3, ये कौन सा होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। तो दोनों चीज समझ आ गई। अब हमें यहाँ से देखना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे पहली चीज स्टैटिक हिंड्रेंस है वो क्या होता है, स्टैटिक हिंड्रेंस इज जस्ट क्राउडिंग, कि कोई भी ग्रुप है वो कितना ज्यादा बल्की है, कोई भी ग्रुप है वो कितना ज्यादा बल्की। देखिए आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, एक बार मैंने पहले भी बताया था कि कोटा फैक्ट्री कितने लोगों ने देखा। तो कोटा फैक्ट्री में वो एक चीज बताता है दैट फिजिक्स में यदि आप एप्पल को ड्रॉप करोगे तो वो डायरेक्ट नीचे आएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट क्या करेगा, नीचे आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। बट केमिस्ट्री में वो एप्पल वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या पता उस पर क्या क्या लग जाएगा, कहीं पे स्टैटिक हिंड्रेंस लग जाएगा, कहीं पे इंडक्टिव फैक्टर लग जाएगा, कहीं पे कुछ लग जाएगा, कहीं पे कुछ लग जाएगा। मतलब क्या होता है इस चीज का, सीधा सा कि हमें क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। यहाँ पे हमें क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। यहाँ पे मैं बड़ा सा कार्बोनेट बनाती हूँ एंड इस पे हमें क्या कराना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। और इस न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए रास्ता तो चाहिए। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए रास्ता तो चाहिए, और वो रास्ता है उसे ब्लॉक कौन कर रहा है, यहाँ पे यदि आप ज्यादा बड़ा ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे यदि आपने ज्यादा बड़ा ग्रुप लगा दिया तो अब ये क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा, और यही तो स्टैटिक हिंड्रेंस है।
ठीक है, यही तो स्टारिक हिंड्रेंस है कि यहाँ से जो न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इन केस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन तो बहुत ही छुटकू सा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन तो बहुत ही छुटकू सा ग्रुप होता है, हाइड्रोजन वो बेचारा किसको रोकेगा, मतलब पड़ा रहता है कार्बन के साथ में, तो यहां से हाइड्रोजन वो तो नहीं रोकेगा न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच को। तो हाइड्रोजन वाले केस में ऐसा कोई भी कार्बोनिल जिसपे सब्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोजन लगे होते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी वो तो ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा दौड़ा दौड़ा और आगे फटाक से बैठ जाएगा, नहीं। लेकिन यदि आपने कार्बोनिल लिया हुआ है बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ में, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ में, तो अब न्यूक्लियोफाइल आ तो जाएगा लेकिन आए किधर से, कहां से आए, कहां से घुसे, इधर तो इतना बड़ा ग्रुप बैठा है, इधर भी इतना बड़ा ग्रुप बैठा है, कार्बन पे, कार्बन को तो बेचारे को घेर रखा है ना चारों तरफ से, कार्बन को फ्री नहीं छोड़ रखा, कहां से घूमे, कहां से बैठेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी सेटिंग है किसी लड़की के साथ में या फिर आपकी सेटिंग है किसी लड़के के साथ में, तो इन मोस्ट ऑफ केसेस लड़के ही जाते हैं ना लड़की से मिलने, मतलब आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां भी पहुंच जाती हैं, देखिए डोंट टेक इन द रॉन्ग वे, रॉन्ग वे में बिल्कुल नहीं लेना, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो एक क्या होता है कि एक लड़की की फैमिली है वो बहुत छोटी सी है, लड़की की फैमिली में फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स हैं और वो लड़की है, तो उस केस में आपका लड़की से मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, वो अपने किसी अलग रूम में है, लड़की अपने किसी अलग रूम में है। बट इन केस लड़की बिलोंग करती है ज्वाइंट फैमिली से जिसमें 15-20-25 लोग रह रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहाँ पे लड़की मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो ज्वाइंट फैमिली बल्कि ग्रुप ज्यादा स्टारिक हिंड्रेंस, तो वहां पे आप अपनी इलेक्ट्रोफाइल से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। बट जो स्मॉल फैमिली होती है लाइक पेरेंट्स हैं और लड़की है, तो उस वाले केस में जो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शन होने के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि आप आराम से अपना मिल सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली यानी कि जहां पे ज्यादा स्टारिक हिंड्रेंस है वहां पे मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सॉरी जहां पे ज्यादा स्टारिक हिंड्रेंस है वहां पे मिलने के चांसेस कम होते हैं। सेम सिंग यहाँ पे भी है, न्यूक्लियोफाइल आ तो जाएगा, लड़का आ तो जाएगा, लेकिन उसे यही नहीं पता कि लड़की को कहाँ पे छुपा के रखा, लड़की के पास में 20-25 लोग और हैं तो कैसे मिले, वो स्टारिक हिंड्रेंस है ना वो, और एक हाइड्रोजन अकेले ओनली पेरेंट्स है तो यहाँ पे तो आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है केस, अब रिएक्टिविटी है, हमने बोल दिया कि स्टारिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी इतनी कम होगी। अब चलिए चलते हैं स्टारिक हिंड्रेंस पे, तो हाइड्रोजन का स्टारिक हिंड्रेंस हो तो होता ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे हम चले तो यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो चलिए इसकी कंपेरिजन में तो कम है बट आगे वाले को देखें तो यहाँ पे तो दोनों ही मिथाइल बैठे हैं, तो चलो इसका काम फिर भी कुछ ठीक है। नेक्स्ट पे चले तो दोनों इथाइल ग्रुप बैठे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे चले तो यहाँ पे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ गए, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, आगे जैसे ही चलते हैं यहाँ पे तो और भी पूरी बड़ी 40-50 लोगों वाली ज्वाइंट फैमिली बैठी है, तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चांसेस हैं वो जीरो के बराबर हो जाते हैं। तो अब इसे क्या, यहां से ये हो जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका कि स्टारिक हिंड्रेंस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, सिंपल सा फंडा है। एज स्टारिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी जितना ज्यादा स्टारिक हिंड्रेंस होगा न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच के चांसेस उतने ही कम होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। ये तो हमने बात की इन द एलिफैटिक कार्बोनिल ग्रुप। अब यदि कार्बोनिल ग्रुप है अटैच्ड किसी भी रिंग के साथ में, किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ में, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या लेने वाले हैं, दूसरा एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि जब कार्बोनिल ग्रुप है वो वहां पे अटैच है किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच है, तो उसकी रिएक्टिविटी वो कैसे होती है, तो चलिए ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी हो गई कोई भी एरोमेटिक रिंग, इसके साथ में फॉर एग्जाम्पल हमने एल्डिहाइड जोड़ दिया, सबसे सिंपल तो हम एल्डिहाइड जोड़ देते हैं। अब यहां से सिंपल सी चीज है कि ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया, ये यहां से क्रिएट हो जाता है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन जैसे ही क्रिएट होता है तो वहां पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे ही कॉन्जुगेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे। और ऐसा कैसे होता है, तो देखिए यहां से क्या होता है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहां पे, देखिए पहले तो क्या होगा कि कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से रिंग के इलेक्ट्रॉन सोचते हैं कि कार्बन बेचारा पॉजिटिव चार्ज के साथ में बैठा, चलिए हम इसकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेंगे, जैसे इधर शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो अब इनके पास में होना है, एक जगह तो पॉजिटिव चार्ज आना है, लेकिन फिर भी रिंग है वो क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर देती है। अब यहां से क्या आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ बन गया, सी एच बन गया, एंड ऑक्सीजन पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया।
और फिर से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाते हैं, देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगेन बता रही हूँ, मे भी आपको एक चीज एक वीडियो में एक बार देखने में आपको समझ नहीं आए, लेकिन एक बार यदि समझ आ गया आपको तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, फिर कभी नहीं भूलोगे। ये फिर से बन गया, अब क्या करेंगे, ये इधर आएगा, सिंपल सा बस आपको इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कराना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहना है, समझ रहे हो। अब यहां से नेक्स्ट है वो क्या होगा, तो नेक्स्ट है वो यहां से देखिए क्या होगा, अब फिर से क्या होगा कि अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर से यहाँ पे आए और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पे आए, बहुत देर मदद कर ली, अब वापस चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो चलिए ले लो इलेक्ट्रॉन्स को वापस। लेकिन हुआ क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को तो ये रहने नहीं दे रहे, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पे जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर देते हैं। तो यहां से रिंग के प्लस आर इफेक्ट की वजह से या फिर रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन होने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो नहीं रह पाता, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह पाता दैट मीन्स क्या होना है यहां से, दैट मीन्स सिंपल सी चीज है कि होगा क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज कर रही है रिएक्टिविटी है वो तो डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी है वो भी डिक्रीज करेगी। अब देखिए पूरी की पूरी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको कार्बन पे कहीं पे भी एक बार भी पॉजिटिव चार्ज दिखा है, नहीं दिखा ना, क्यों, क्योंकि रिंग है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कार्बन के कंपाउंड्स वो और भी ज्यादा डिक्रीज कर जाती है। इसमें भी हमें केसेस देखने, एक हमने क्या देखा है C6H5CHO देखा है, ठीक है, C6H5CHO लिया है, दूसरा हम क्या लेते हैं यहां से C6H5COCS3 ले लेते हैं, ठीक है, C6H5COCS3 हमने ले लिया, तीसरा है वो हम क्या ले रहे हैं C6H5COC6H5। अब देखिए पहले वाले केस में सिर्फ एक फेनिल रिंग का इफेक्ट था, दूसरे में फेनिल रिंग तो है साथ में मिथाइल ग्रुप है वो भी आ गया, अब ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज टिकने ही नहीं दे रहे, ठीक है, तीसरे में तो दो दो तरफ से रिंग आ रही है, ज्यादा बहुत ज्यादा रिजोनेंस हो रहा है, तो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कंपेरिजन में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा है वो बेंजल्डिहाइड की ही होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा वो किसकी होती है बेंजल्डिहाइड की ही होती है। जब हम इनका कंपेरेटिव स्टडी करते हैं बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी है वो ये ऊपर वाले जितने भी इनसे तो कमी होनी है, ठीक है, ऊपर वाले जितने भी इनसे तो कमी होनी है क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लग रहा है, एंड वी नो दैट प्लस आर इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर प्लस आई, ठीक है, प्लस आर है वो हमेशा डोमिनेंट करता है प्लस आई पे, प्लस आर का इफेक्ट ज्यादा होता है प्लस आई की कंपेयर में, ठीक है, तो यहां से ये हो जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, मैंने आपको एलिफेटिक में बता दिया एरोमेटिक में बता दिया और आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, यदि एक बार देखने से वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो दो बार देखिए तीन बार देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है देखिए। और एक ना मैं कल देख रही थी, कल मैंने वीडियोस देखी, कई कई बार क्या होता है कि मैं देख लेती हूँ तो इन दिनों पता है वीडियोस की फ्रीक्वेंसी इतनी कम क्यों हो रही है, देखिए वीडियोस की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके कमेंट्स पे, ठीक है, आप जितना ज्यादा कमेंट्स करेंगे कि हमें समझ आ रहा है मैम और वीडियोस दीजिए उतना ही मेरा मोटिवेशन वो इंक्रेज होता जाता है, आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं नंबर्स को कभी नहीं देखती, बट मतलब कहीं ना कहीं तो चीजें माइंड में क्लिक कर ही जाती हैं कि मैं क्यों लगी हुई हूँ, कोई देख ही नहीं रहा, कोई किसी को मेरे एफर्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो मैं क्यों लगी हुई हूँ, तो कई बार जो थोड़ी चीजें पिंच हो जाती हैं फिर नहीं मन करता वीडियो बनाने का कि छोड़ना क्यों परेशान हो रही, कोई देख ही नहीं रहा, किसी को कोई मतलब ही नहीं कि मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ, ये तो सबको बताने ऐसा लगता है कि मैडम का बताने क्या बेनिफिट हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा मेरा, मैं ऐसे ही मेहनत करती जा रही हूँ, बस मजा आता है, और वो मजा कब आता है जब आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होते तब मजा आता है, वरना तो गुस्सा आता है खुद पे कि क्यों कर रही हूँ मैं, कहीं पागल तो नहीं हो गई हूँ, तो जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया करो, और पता नहीं, और जैसे हाँ कल मैंने वो बता रही ना कि कभी कभी मैं चैनल के एनालिटिक्स चेक करती हूँ, अदरवाइज तो हमेशा तो मैं करती नहीं हूँ, तो मैं देख रही हूँ 63% पीपल्स हैं जो कि नॉन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ओनली 37% हैं जो कि यहाँ से सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, बाकी तो सारे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, क्यों भाई पैसे लग रहे हैं तुम्हारे सब्सक्राइब करने में, अरे जब सब्सक्राइब करने में तुम्हें इतना जोर है देख क्यों रहे हो, फिर शर्म नहीं आती तुम्हें बिना सब्सक्राइब किए देखने में, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, चलो जो भी है ठीक है छोड़ो, अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, यदि वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आया दो बार देखो तीन बार देखो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग उन्हें भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके, और आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, नेक्स्ट हम यहाँ से करेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन के टाइप देखेंगे उसके बाद हम स्पेसिफिक न्यूक्लियोफिलिक है वो स्टार्ट करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो ऑलरेडी डन है, तो मैं साथ साथ में आपको वीडियोज के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराती जाऊंगी कि कौन कौन सी रिएक्शन वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो बस आपको करते रहना है सीरीज में, एक सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो कीजिए, बस इतना सा काम करना है, और बस आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।